गुड मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एवीएम नॉन क्लास ऑनलाइन क्लासेस. अगेन आई एम योर सर चेतन शर्मा फॉर द क्लास 6 एनसीईआरटी सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ द फूड. बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था एनसीईआरटी में, चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड. इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फूड के अंदर जो भी हम लोग फूड खाते हैं, हम लोग फूड क्यों खाते हैं. पहले तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि फूड हम लोग इसलिए खाते हैं ताकि हम लोगों में एनर्जी आ सके और इस एनर्जी की वजह से हम लोग डेली एक्टिविटी के वर्क कर पाए, है ना. तो बाय द फूड वी आर गेटिंग द एनर्जी एंड बाय दिस एनर्जी वी आर डूइंग द कंप्लीट वो डेली एक्टिविटी वर्क. तो फूड हमारा एक बेसिक नीड मान लिया, जैसे हम लोगों के क्लोथ शेल्टर, उसी तरह से फूड भी एक क्या हो गया, बेसिक नीड हो गया. उस फूड के अंदर एक्चुअली हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए या हमारे ग्रोथ करवाने के लिए, हम लोगों को डेली एक्टिविटी के वर्क करवाने के लिए ऐसे रेस्पॉन्सिबल वेक्टर थे कौन, तो उनको बोल दिया गया था कंपोनेंट्स या फिर बोल दिया गया था न्यूट्रिएंट, है ना. तो मैंने आप लोगों को बताया था कंपोनेंट या न्यूट्रिएंट टोटल जो फूड के अंदर प्रेजेंट होता है वो टोटल 6 होते हैं. कार्बोहाइड्रेट, देखिए मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज, ये टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं फूड के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं. अब इन्हीं को यूटिलाइज किया जाता है. जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं, प्रोटीन हम लोगों के लिए बॉडी बिल्डिंग या सेल्स को ग्रोथ करवाता है, रिपेयर करवाता है, विटामिन्स और मिनरल्स हम लोगों का प्रोटेक्शन करते हैं और प्रोटेक्शन करते हैं अगेंस्ट द डिजीजेज या प्रिवेंट फ्रॉम डिजीजेज. रफेज जो होगा या फाइबर जो होगा वो हम लोगों के लिए फूड कंपोनेंट एक अलग से काम कर रखता है, उसी को आज हम लोगों को पढ़ना है. तो अब हमारे दो टॉपिक रह जाते हैं इस चैप्टर के, फिर ये चैप्टर आप लोगों का खल्लास फिनिश, ठीक है ना. एंजॉय, मजे करो. आज हम लोग इस दो टॉपिक को डिस्कस करने के बाद में इस चैप्टर को क्या कर देंगे, सूट आउट कर देंगे, मतलब ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना. तो देखो, रफेज के बारे में पढ़ते हैं. रफेज या डाइट्री फाइबर्स, रफेज को डाइट्री फाइबर्स भी कहा जाता है, है ना. काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज होंगे कि सर फाइबर तो धागों को भी कहा जाता है, क्या हम धागे खा रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. फाइबर्स इसलिए बोला जा रहा है इनको क्योंकि ये धागे जैसे होते हैं, यानी बिल्कुल थिन होते हैं, बिल्कुल एक फिलामेंट्स की तरह होते हैं, बिल्कुल स्मॉल होते हैं, तो इसलिए इसको फाइबर बोला गया. बाकी जनरली हम लोग कोई फाइबर या थ्रेड नहीं खा रहे हैं ना. चलिए, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वी आर टेक द कंसेप्ट. रफेज या आप लोग बोल दो फाइबर्स, तो रफेज ऑफ फाइबर होते क्या एक्चुअली, इट इज़ द फाइब्रस मैटर. ये कैसे मैटर होते बेटा, फाइब्रस मैटर होते हैं, यानी कि बिल्कुल थ्रेड जैसे होते हैं, यानी कि थ्रेड जैसे होते हैं इसका मतलब थ्रेड नहीं है, है ना, थ्रेड जैसे होते हैं, है ना. विच नॉट बी डाइजेस्टेड, इनको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते. देखो ध्यान सुनो, ये हम लोग ले जरूर रहे हैं लेकिन बदले में हम, हमारी बॉडी जो है, हमारा इंटरनल जो पार्ट जो होता है एलिमेंट्री कैनल का, वो ये ऑर्गन्स इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते. बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ये हम ले जरूर रहे लेकिन इसको खुद को डाइजेस्ट नहीं कर पाते. लेकिन ये बहुत काम का है, सुनना कैसे. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द डाइट्री फाइबर्स, इसको क्या कहा जाता है, डाइट्री फाइबर्स. डाइट्री फाइबर्स इसलिए है, हमारे डाइट के अंदर ये कंपल्सरी है. हम लोग जो ये खाना खा रहे हैं उसके अंदर ये कंपल्सरी, जैसे सलाद खाते हो आप लोग, वेजिटेबल्स आप लोग खाते हो या फ्रूट्स खाते हो, तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स या उसके जो पिल्स होते हैं या होल ग्रेन्स होते हैं, स्प्राउटेड ग्रेन्स होते हैं, उनके अंदर ये डाइट्री फाइबर्स अटैच होते हैं, ठीक है ना. तो डाइट्री फाइबर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप लोगों के फूड की डाइट के अंदर प्रेजेंट थे और वो डायरेक्टली आप लोगों के बॉडी में कहाँ चले गए, इनसाइड चले गए. वी गेट रफेज फ्रॉम द, अब हम लोगों को क्वेश्चन ये आता है कि रफेज के सोर्सेज बता दीजिए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए रफेज हम लोगों को कहाँ कहाँ से मिल रहा है, यानी फाइबर हम लोगों को कहाँ कहाँ से मिल रहा है. जनरली फाइबर्स हम लोगों को प्लांट से ही मिलता है, एनिमल्स हम लोगों को रफेज नहीं मिल सकता. प्लांट्स अभी कौन से है, जैसे वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, पिल्स फ्रूट्स हो गए, यानी कि जिसके ऊपर छिलका आता है, कवर आता है, होल ग्रेन्स. अब यहाँ होल ग्रेन्स का मतलब हो गया, जब अपन लोग फ्लोर्स वगैरह देखते हैं तो उसके ऊपर का जो रेफर्स होता है वो कवरिंग, वो साथ में आता है, उसको होल ग्रेन्स बोला जाता है, ETC. अगला आ गया कि अब इसका रोल क्या है, ध्यान से सुना, कार्बोहाइड्रेट का आप लोगों ने पढ़ा, फैट का पढ़ा, मैंने एक एक को डिटेल वाइज पढ़ा है. तो इसका मेजर रोल क्या होता है या इसका मेन रोल क्या है, इसका मेन रोल ये होता है, इट हेल्प अस इन द डाइजेशन ऑफ फूड. ये फूड को डाइजेशन करवाने में या फूड को पचाने में मदद करता है आप लोगों की बॉडी के अंदर, ठीक है ना. एंड ऑल्सो हेल्प टू द प्रिवेंट फ्रॉम द कंस्टिपेशन और ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम टू द प्रॉब्लम ऑफ कंस्टिपेशन. अब ये कंस्टिपेशन क्या होता है, काफ़ी बच्चे नहीं जानते हैं. कंस्टिपेशन का मतलब होता है बच्चों कब्ज़, ठीक है ना, कब्ज़ की जो प्रॉब्लम होती है, यानी कि आपका जो ये फेसेस जो होता है, यानी आपका जो ये
वेस्ट जो होती है वो इंटेस्टाइन के अंदर लॉक्ड हो जाती है या फंस जाती है। तो उस वजह से फ्रिक्वेंटली आप लोगों को जो फिसेस जो है या आप लोगों के जो सॉलिड वेस्ट जो हो जाता है वो बाहर नहीं आ पाता थ्रू बाय द एनस, उस टाइम एक प्रॉब्लम हो जाती है, उसको बोलते हैं कंस्टिपेशन। तो कंस्टिपेशन जो है उसको रोकने के लिए भी डाइट्री फाइबर्स यूज़ में लिया जाता है। जो बच्चे कम पानी पीते हैं या जो बच्चे सलाद नहीं खाते, फ्रूट्स वगैरह नहीं यूज़ करते, तो उनके बॉडी के अंदर कंस्टिपेशन, कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, लैटरिंग जो हो जाएगी वो बराबरली टाइम टू नहीं आएगी, या जब जाने के लिए करेंगे हम लोगों का मोशन टाइम हो जाएगा तो उस समय पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जो सॉलिड फेसेस होते हैं, सॉलिड फेसेस जो इंटेस्टाइन के अंदर लॉक्ड हो जाते हैं वो आसानी से रिग्ड आउट नहीं होते थे। तो रिग्ड आउट करने के लिए उसको को क्या करना पड़ता है, पानी या आप लोगों को डाइट्री फाइबर्स यूज़ लेने पड़ते हैं। तो ध्यान से सुनना, डाइट्री फाइबर्स कंपलसरी है, आप लोग यूज़ कीजिए उसको, सलाद वगैरह जो भी हो गया है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह हो गए उसको खाने चाहिए, जैसे गाजर है, टोमेटो है, खीरा ककड़ी है, ये यूज़ लेने चाहिए। इनको यूज़ नहीं लेने पर कंस्टिपेशन हो जाएगा, आप लोगों को जो सॉलिड फेसेस होगा वो लॉक्ड हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होगी फिर, ठीक है ना। तो एक बार जल्दी से इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, या फिर इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करके लिखो, क्योंकि मुझे वाटर को भी करवाना है, जल्दी से कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, लास्ट एंड फंडामेंटल टॉपिक जो रह गया इस चैप्टर का वो है वाटर। अब वाटर क्या है आप लोगों को सबको पता है, पानी, जल। अब जल है तो कल है, मतलब जल ही जीवन है ये कहा जाता है, और मछली के लिए तो ये भी बोला था, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगा हो डर जाएगी और बाहर निकालो तो मर जाएगी। यानी पानी को इतना इम्पोर्टेंस दिया हुआ है अपने यहाँ पर, ठीक है ना। जल की जल देवता है, उनकी पूजा भी की जाती है, तो कहीं ना कहीं वाटर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ना। वाटर इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द फूड, वाटर को फूड का कंपोनेंट नहीं बोला जाता। बच्चों मैंने आप लोगों को कहा भी था, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और रफेज लिख भी दूँ तो यहाँ पर मैंने वाटर तो नहीं लिखा, फिर भी मैं वाटर के बारे में पढ़ा रहा हूँ। यानी इसका मतलब क्या हो गया, वाटर कंपोनेंट में नहीं आएगा, इट इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फूड, बट इट इज़ एन एसेंशियल फॉर डाइजेशन प्रोसेस। लेकिन कहीं ना कहीं इनके साथ में ये इंक्लूड होकर डाइजेशन में ज़रूर मदद करता है, तो ये डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विदाउट वाटर डाइजेशन पॉसिबल नहीं है। वाटर हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द फूड इन द डिफरेंट बॉडी सेल्स। अच्छा, जब आप लोग पानी पीते हो, आप लोगों ने खाना खा लिया फिर उसके बाद में एक घंटे बाद में पानी पीते हो, तो पानी से क्या होगा, जो ये आप लोगों को बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है वहाँ तक ये सारा का सारा न्यूट्रिएंट, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स बाय थ्रू ऑफ वाटर ही पहुँचते हैं। तो पानी है तो बॉडी के अंदर से ये जितने भी ट्रांसपोर्टिंग होता है, केमिकल हॉर्मोन्स है या आप लोगों के एंजाइम्स वगैरह होते हैं, ये सब जो होते हैं ये सब ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर ऑल्सो हेल्पफुल इन द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द केमिकल्स हॉर्मोन्स। अब ये केमिकल हॉर्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड होता है, जो अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा, लेकिन आप लोग 7th क्लास में जाओगे तो आप लोगों को कुछ कुछ टॉपिक समझ आएंगे भाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती क्या है। बॉडी के अंदर ऐसी भी ग्लैंड्स होती है जो कि क्या करती है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर अपने ये केमिकल सब्सटेंस डालती है, जिसकी वजह से बॉडी में अलग अलग चेंजेस आते हैं, है ना। एंजाइम भी सेम वही चीज़ होती है इनसाइड द बॉडी। तो बॉडी के अंदर अगर हार्मोन को ट्रेवल करवाना है या एंजाइम को ट्रेवल करवाना है तो विदाउट वाटर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, पानी पीते तो पानी पीते रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि जो आप लोगों का टाइमिंग होगा, मतलब डाइटिंग जाने का या दो नंबर जाने का, तो उस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो गेट रिड ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, जो आपकी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिड आउट करने के लिए, यानी बाहर निकालने के लिए, थ्रो आउट करने के लिए वाटर की नीड पड़ती है। इट इज़ कंट्रोल एंड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। बार बार जो पानी पीता रहता है उसको गुस्सा भी कम आता है, इसलिए कहता रहना है चिल रहना चाहिए, पानी पी लो। कहते हैं ना ज़्यादा तेज गुस्सा आ जाता है तो क्या, अरे यार तू रुक जाए, ठंडा पानी पी ले, है ना, बोलते हैं ना, तो रुक यार, दो मिनट रुक, गुस्सा मत कर, तेज मत बन, थोड़ा सा क्या कर ले, पानी पी ले। तो पानी क्या करता है, अपने टेम्परेचर को थोड़ा सा जो हाई हो गया है, क्योंकि बॉडी इंटरनली बहुत सारे ऑर्गन से रेगुलरली वो वर्किंग कर रहे हैं, इफिशेंटली वर्क कर रहे हैं, तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, तो उस समय पानी उसको क्या करता है, काम डाउन करता है, नॉर्मल करता है, इसलिए वाटर जो होता है वो रेगुलेट करता है। अच्छा बच्चों, ये तो सारे मेन हो गए, मेरा आपसे सजेशन ये है कि आप लोगों को वाटर एटलीस्ट आप लोग छोटे क्लासेस के अंदर हो या आगे भी जाओगे तो 6 से 7 गिलास पर डे आप लोगों को वाटर को कंज्यूम करना चाहिए।
यानी कि 6 से 7 ग्लास आप लोगों को वाटर पीना ही चाहिए, यानी 1.5 लीटर तो आप लोग ये मान के चलो पानी आप लोगों को जरूर चाहिए, क्योंकि बॉडी का जो वेट जो है 70% जो वेट है वो वाटर ही है। बोन्स ब्लड तो बहुत कम है, ठीक है ना, 3 से 4 लीटर ब्लड मिलेगा, बोन्स का भी इतना वेट नहीं होगा। बॉडी का जो वेट आप लोगों को दिख रहा है उसका 70% अगर निकाल दें तो वो वाटर ही, तो वाटर एटलीस्ट आप लोगों को कंज्यूम करना चाहिए डेली लाइफ में, मेरा ये सजेशन है आप लोगों से, ठीक है ना, कि पानी पीते रहो। ओके, थैंक यू। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब लेकर आऊँगा मैं, तो उसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन को लेकर आएंगे। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट टिल एक्सरसाइज क्वेश्चन के लिए बने रहना मेरे साथ में, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना, और आज का वीडियो कंप्लीट देखना, विदाउट कंप्लीटिंग वीडियो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। ओके, थैंक यू।